राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल में जैमर लगे होने के बावजूद कैदियों के मोबाइल पर बात करने के मामले में नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि 20 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जैमर क्यों नहीं चल रहे हैं। अदालत ने जेल में मोबाइल पकड़ने के लिए मुहिम छेड़ने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 5 मार्च को तय की है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोर्धन बारदार की खंडपीठ ने ये आदेश प्रकरण में लिए गए स्वयं प्रेरित प्रसंग ज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि गत दिनों अजमेर जेल का दौरा किया गया था, जिसमें सामने आया कि आसपास टावर न होने के बावजूद भी जैमर काम नहीं कर रहे। इस पर न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा, जैमर लगाने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। न्यायमित्र की ओर से अदालत को ये भी बताया गया कि अक्टूबर माह से जेल में विजिट के लिए NOV की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा रोटी मेकर भी खराब पड़े हैं। इस पर अदालत ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि 3 साल पहले आदेश देने के बावजूद अब तक रोटी मेकर नहीं लगे हैं। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जयपुर और उदयपुर जेल के रोटी मेकर ठीक कर दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य जेलों में भी रोटी मेकर चलाए जाएंगे। राज्य सरकार ने अदालत को ये भी बताया कि NOV की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।